जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो मैं लेके आया हूँ जफर हेरेटिक भाई का। और जो वीडियो का जो टॉपिक है वो है कुरान की वो 26 आयतें आपने वसीम रिजवी जो हिंदू बन गए हैं, तो पहले वो एक्स मुस्लिम बने और फिर हिंदू बन गए, तो वसीम रिजवी जी ने कुछ टाइम पहले कुरान की उन 26 आयतों को एक्सप्लेन किया था। और वो क्या कहती हैं ये आयतें, क्या बैन करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। जो बहुत ही इफ़ेक्टिव आवाज़ है जफर हेरेटिक की, और इनके जो बोलने का अंदाज़ है वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही पसंद आएगा। जो जफर हेरेटिक को जानते हैं वो इस बात को भी समझते होंगे कि ये किस तरह से अपना वीडियो बनाते हैं। खालो माँ को, शैतान है बेटा, जुदा हो नहीं सकता। जिसने कहा तू कत्ल कर इंसान, खुदा हो नहीं सकता। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ जफर हेरेटिक। वसीम रिजवी, एक्स शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन। हाल ही में इन्होंने कोर्ट में पीआईएल डाली है, जिसमें इन्होंने कुरान से 26 जिहादी आयतों को हटाने की मांग की है। इनका कहना है कि पैगंबर मोहम्मद की मौत के बाद से ही शुरुआती खलीफाओं ने अपनी ताकत के दम पर कुरान में बदलाव किया और कुरान में जिहादी आयतें जोड़ दी हैं, ताकि वो जिहाद के दम पर हुकूमत कर सकें। और अल्लाह कभी भी इस तरह की खून खराबे वाली आयतें नाजिल नहीं करता। हिंदुस्तान में किसी तरह का दंगा फसाद दोबारा ना हो, इसलिए ये कुरान से 26 आयतों को हटाने की मांग कर रहे हैं। हकीकत तो यह है कि कुरान में जिहादी आयतें तो खुद मोहम्मद साहब के टाइम से ही हैं, ताकि वो खुद जिहाद के लिए लोगों को उकसा सकें और अपने आप को पैगंबर बता सकें। अब बात करते हैं वसीम रिजवी की। इस्लाम का क्रिटिक होते हुए भी मैं वसीम रिजवी की सपोर्ट में नहीं हूँ। इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न है इनकी नीयत। इनके इतिहास को देखा जाए तो इस तरह के काम इन्होंने पहले भी किए हैं, और केवल राजनीतिक फ़ायदों के लिए। दूसरा रीज़न, इनका बताया तरीका पॉसिबल भी नहीं, और मान भी लिया जाए तो ये दंगों की शक्ल भी ले सकता है, क्योंकि ये उनकी नज़र में उनके पीसफुल मज़हब पर अटैक होगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि अल्लाह का इस्लाम और टेररिस्ट का इस्लाम कुछ अलग है, बल्कि वो इसे इस्लाम का हिस्सा भी नहीं मानते। जफर इस्लाम को क्रिटिसाइज करता है, लेकिन साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटी को भी सपोर्ट करता है। ये चैनल पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, और मैं हमेशा से एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हूँ, फिर चाहे वो इस्लाम हो या कोई और। हालांकि इससे पहले भी कुरान से जिहादी आयतों को हटाने की मांग की जा चुकी है, और हर बार इस तरह की मांग को लेकर नतीजा सिवाय दंगों के कुछ और नहीं मिलता। हमें इस्लाम लोगों से खुद छुड़वा कर इसे इतना कमज़ोर करना है कि खुद रिफॉर्म करें, ना कि जिहादियों को मौका दिया जाए कि वो इस्लाम की लड़ाई में सभी मुस्लिम्स को साथ ले लें। क्योंकि कुरान की कुछ आयतों को बैन करने से कुछ हासिल नहीं होगा। बैन करना ही है तो मजहबी शिक्षा को बैन किया जाए। मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान में आतंक को ख़त्म करने का यही तरीका है कि मुसलमानों को इस्लाम की रियलिटी से रूबरू करा जाए, ताकि वो खुद इस्लाम को छोड़ें। बेशक कुरान को तर्जुमे से पढ़ने के बाद इसकी रियलिटी साफ जाहिर होती है। मैं कुरान की चंद आयतें सीरियल वाइज कोट कर देता हूँ, ताकि ओवरऑल इस्लाम की टीचिंग्स क्या हैं वो जाहिर हो जाएं। वो तो ये चाहते हैं कि जिस तरह से वो खुद कुफ्र में पड़े हुए हैं, उसी तरह तुम भी कुफ्र में पड़ जाओ, ताकि तुम और वे सब बराबर हो जाएं। तो उनमें से किसी को अपना दोस्त ना बनाओ, जब तक कि वे अल्लाह की राह में घर बार छोड़कर ना आ जाएं। और अगर वे घर बार छोड़ने से रुकें तो जहां पाओ उन्हें पकड़ो और कत्ल करो, और उनमें से किसी को अपना दोस्त और मददगार ना बनाओ। यकीनन काफिर लोग तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। जिन लोगों ने हमारी आयतों को मानने से इनकार कर दिया, उन लोगों को हम यकीनन आग में झोंकेंगे, और जब उनके बदन की खाल गल जाएगी तो उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे, ताकि वो खूब अजाब का मजा चखें। काफिरों को यारों मददगार ना बनाओ। ए नबी, ईमान वालों को जंग पर उभारो। अगर तुम में से 20 आदमी हों तो वो 200 पर गालिब होंगे, यानी भारी होंगे, और अगर 100 आदमी ऐसे हों तो हक के इनकारियों में से 1000 आदमियों पर भारी होंगे। तो जब हराम महीने बीत जाएं, तो मुशरिकों को, यानी जो अल्लाह के अलावा किसी और को मानते हैं, को कत्ल करो। जहां पाओ उन्हें पकड़ो और घेरो। हर घात में उनकी खबर लेने के लिए बैठो। फिर अगर वे तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात दें तो उन्हें छोड़ दो। उनसे लड़ो, अल्लाह तुम्हारे हाथों से उनको सजा दिलवाएगा और उन्हें बेइज्जत और रुस्वा करेगा।
और उनके मुकाबले में तुम्हारी मदद करेगा। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने बापों और भाइयों को भी अपना साथी ना बनाओ, अगर वो ईमान पर कुफ्र को तरजीह दें यानी प्राथमिकता दें, तुम में से जो उनको साथी बनाएंगे वही जालिम होंगे। जंग करो किताब वालों में से उन लोगों के खिलाफ जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाते, और जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया है उसे हराम नहीं करते और दीन हक को अपना दीन नहीं बनाते। इनसे लड़ो यहाँ तक कि वह अपने हाथ से जजिया दें और छोटे बनकर रहें। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मुशरिकीन यानी अल्लाह के अलावा किसी और को मानने वाले नापाक हैं, इसलिए इस साल के बाद ये मस्जिद हराम के करीब ना फटकने पाएं। उन पर हर तरफ से लानत की बौछार होगी, जहां कहीं पाए जाएंगे पकड़े जाएंगे और बुरी तरह मारे जाएंगे। ऐ नबी, काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो और उनके साथ सख्ती से पेश आओ, उनका ठिकाना जहन्नम है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। आयतों में से चंद आयतें थी, बाकी आयतों में भी आपको सेम बात मिलेगी, जिहाद करने की और काफिरों को दोस्त ना बनाने की और मौत के बाद इनके लिए जहन्नम की आग का डर। तो मेरे मुस्लिम भाइयों, अगर आपको लगता है कि ये जो आयतें हैं ये उस समय की थी, तो कुरान एक आउटडेटेड बुक से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि कुरान कहीं नहीं कहता कि ये आयतें सिर्फ अभी के लिए हैं और आगे चलकर सबको पीसफुल रहना है। इन आयतों से ज़्यादा जिहाद तो हदीसों में भरा पड़ा है जो कि नबी की टीचिंग्स हैं। सच तो यही है कि इस्लाम ने मार काट लूट पाट के अलावा कभी किसी को कुछ नहीं सिखाया। अगर आपको लगता है कि मेरी कोई बात झूठ है, तो आप मेरी ये सीरीज़ देख सकते हैं जिसमें मैंने इस्लाम की सच्चाई को बेनकाब किया है। बेशक इस्लाम दुनिया को काबू करने की एक आइडियोलॉजी से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मेरे मुस्लिम भाइयों, इस मज़हब की गंदगी को समझो, इससे बाहर निकलो और ह्यूमैनिटी और साइंस की तरफ कदम बढ़ाओ। तो सभी से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोग इस मज़हब की सच्चाई को जानकर इससे बाहर आ सकें। बाकी आज के शो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। देखा जफर हेरेटिक का, और यहाँ पर उन 26 आयतों को भी इन्होंने दिखाया, बीच बीच में से काफ़ी आयतें इन्होंने दिखाई, और बाकी में आयतें जो हैं वो शॉकिंग हैं, किसी को यकीन हो या ना हो ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में हैं, कोई माने या ना माने। इसको हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज़ रिलीजन ऑफ पीस। अब ये डेफिनेशन पता क्या देंगे, जो हमने भी सुना है अक्सर, जो एक्स मुस्लिम की डिबेट में जो ये मौलाना आते हैं, हमने सुना जो है वो ये सुना है कि ये लोग बोलते हैं जी काफिर का मतलब है डिसबिलीवर, जो गॉड को नहीं मानता उसको हम बोलते हैं, और गॉड को नहीं मानना भी एक गुनाह है। ये बात हमें पता नहीं थी, हम सोचते थे कि यार इट्स अ चॉइस कि हम ये माने कि कोई क्रिएटर है या ना माने को कोई क्रिएटर है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है अगर कोई क्रिएटर है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए हमारे मानने या ना मानने से। मैं एक बहुत बढ़िया पॉइंट यहाँ पर रखना चाहूँगा, आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि अगर हम अपने आसपास आसमान में देखें तो हमें सन दिखता है, और ग्रह तो हमें दिखते नहीं हैं, एक दो मंगल ग्रह कभी दिखता होगा छोटा मोटा, पर कहते हैं 9 ग्रह हैं, तो अगर हम 9 ग्रह के दायरे को देखें तो वो शनि ग्रह बहुत बड़ा है, जुपिटर भी बड़ा है, अर्थ जो है वो उतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ग्रह है, उस छोटे से ग्रह के ऊपर कुछ जीव रहते हैं, उसमें चींटियाँ भी रहती हैं, उसमें हाथी रहते हैं, घोड़े रहते हैं, बंदर रहते हैं, कुत्ते रहते हैं, अजगर रहते हैं, मगरमच्छ रहते हैं, ठीक है, मैं मतलब सब इंसेक्ट्स जितने प्रकार के इंसेक्ट हैं वो रहते हैं, एम्बीबा रहते हैं, इंसान भी रहते हैं, उन सब जीवों में सिर्फ इंसान ही एक ऐसा है जिसने ये मान के रखा हुआ है कि हमने जो चीज़ बना दी वही सबके लिए एप्लीकेबल है। कहते कण कण में भगवान है, कहते हैं ना कण कण में भगवान है, अद्वैत की जो फिलोसफर जो कहते हैं अद्वैत ब्रह्मा, जो सनातन धर्म की भी टीचिंग है जिसमें कहते हैं अद्वैत मतलब दो नहीं है, कहते हैं दो नहीं है ईश्वर और दो नहीं है। अब जब ये चीज़ बोली जाती है ना कि अद्वैत, तो लोग पता क्या सोचते हैं, लोग बोलते हैं इसका मतलब है ईश्वर एक है, ठीक है, एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ते, ये सत्य एक है, बहुत सारे लोग उसे अलग अलग नाम से पूछते हैं, ठीक है। अब
मूर्ति पूजा के केस में लोग आ जाते हैं, मूर्ति पूजा क्यों के गलत है, ये है वो है। मैं बोलता हूँ अगर कण कण में भगवान है तो उस पत्थर की मूर्ति भी तो उस कण से ही बनी होती है। अगर कण कण में भगवान है तो उस पत्थर की मूर्ति जो कण से बनी है, तो अगर आप उस पत्थर को भी पूज रहे हो तो आप उस भगवान को पूज रहे हो, ये माना जाता है। हालांकि पूजा चरित्र की होती है, चित्र की नहीं होती है। आपके सामने जिसका भी चित्र होता है आप उसको मानते हो कि ये चित्र जो है वो फलाने बंदे का है, तो आप उस पत्थर की मूर्ति, उस कागज़ की मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे होते। आप अल्टीमेटली जिसकी वो मूर्ति है आप उसको ध्यान कर रहे होते हो। और रिलीजियस और ये जो बिलीव होती है ये गॉड की, ये पर्सनल मैटर है, पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकती है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, आप मानो या ना मानो, अब आप किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के चार चपेट लगाओगे, बोलोगे मान के ग्रेविटेशनल फोर्स है, मान के ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका कोई फ़ायदा है तो बेवकूफ़ी है, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अरे जब उसे बोलो कि भैया देखो किसी को ज़बरदस्ती मनवाने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर वाकई में वो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो आप उस पर्सन को बोलो कि भैया ऐसा है तो यहाँ खड़ा हो, इस ऊंची जगह पे खड़ा हो और यहाँ से नीचे छलांग लगा दे। अगर तू नीचे गिर गया तो समझो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो है, और ये प्रूफ हो जाता है कि ग्रेविटी है। अगर तू नहीं गिरता है तो ग्रेविटी नहीं है। इसमें उसको चपेट मार के, उसको ज़बरदस्ती, उसको डरा के, धमका के बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझो इस चीज़ को, ये बहुत बढ़िया पॉइंट मैंने आप यहाँ पर रखा है आपके सामने, और आप इसके लिए अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अपने व्यू कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। जो मैंने अभी बात कही है कि इस दुनिया में अगर वाकई में कोई चीज़ है तो उसे मनवाने के लिए आप इतना फोर्स क्यों कर रहे हो, आप क्यों लोगों को जान से मारने की धमकियाँ दे देते हो उस चीज़ को मनवाने के लिए, गलत है ना। अगर वो चीज़ वाकई में है तो बर्सन अपने आप मानेगा ना। अब जैसे पानी है, आप बोलोगे यार ये पानी है इसमें डूब जाते हैं, अब बंदा बोलता नहीं मैं नहीं मानता भी डूबते हैं, ठीक है भाई तू डूब के देख ले। पर अगर मैं उसे बोलूं कि भैया मैं तेरे को मार दूंगा अगर तू ये मानेगा, अगर नहीं मानेगा तू तो मैं तेरे को मार दूंगा, ये क्या लॉजिक होता है यार। उस पर्सन को खुद एक्सपीरियंस करने दो, तभी कहते हैं अनुभव ही सत्य है। ये बोलते हैं ना, आपने सुना होगा अक्सर कि अनुभव सत्य है, लेट देम एक्सपीरियंस, जो भी पर्सन उसको एक्सपीरियंस करने दो ना, आप जबरदस्ती क्यों करोगे किसी के साथ। और जो चीज़ नहीं दिखती है, जो चीज़ नहीं है, आप वही तो क्वेश्चन किया जा रहा है कि भैया ये नहीं है, आप प्रूव करो, आप प्रूव ही नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। नहीं भैया ये है, ये है, अल्लाह है, अल्लाह है कहीं सात आसमान के ऊपर बैठा है। आप अगर नहीं भी मानना चाहते हो फिर भी मानो भाई, प्रूफ तो लाओ, दिखेगा तो सही। तो ये जफर हेरेटिक ने जिस तरह से पॉइंट को रखा, मैं भी इनकी बात से एग्री करता हूँ। अगर आप वाकई में ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हो तो मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, ऐसी वीडियो मैं चैनल के लेके आता रहूँगा, और मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।